बहुत अच्छे आप तो जयपुर से आ गए नहीं लॉर्ड साहब आई वॉज नहीं मिस्टर राजेश काउंसिल नो आई विल इम्पोज हैवी कॉस्ट कुछ नहीं कहा मैंने कहा कार से गए हैं तो टोल टैक्स की रसीद लगा दीजिए ट्रेन से गए हैं तो टिकट लगा दीजिए फ्लाइट से गए हैं तो टिकट लगा दीजिए ये तीनों चीजें आपके पास अपने खाल बचाने के लिए अपने साथी के खिलाफ बोल रहे हो स्टॉप मी फ्रॉम राइटिंग दी आपने तो इनकी वकालत तो शुरू होते ही इनका चेहरा खराब करवा दिया कोर्ट के सामने तो ये दोबारा जाके पूछते हैं कि ये कहते हैं कि वो जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रिलेटिव के यहाँ पर गए अरे तो भाई साहब या तो फ्लाइट से गए या ट्रेन से गए हैं या, से गए, या बद, कार से गए हैं कार से गए तो टोल टैक्स की रसीदें चाहिए ट्रेन से गए हैं तो टिकट ट्रेन की चाहिए और फ्लाइट से गए हैं तो वहां की चाहिए नहीं तो उनसे बोलिए अंदर आ जाइए कोर्ट कुछ नहीं बोले सर, सर आज नहीं आए नहीं आएंगे अंदर जयपुर वगैरह कुछ नहीं गए हैं क्यों झूठ बोलते हैं यार सर एक्चुअली सर भाई साहब ऐसा है मैंने आप लोगों से बार बार कहा है एक कहा कहानी है आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी मैं नहीं जानता एक शैतान बच्चा था शैतान मतलब नोटोरियस वाला शैतान नहीं इनोसेंट वाला शैतान रोज रात को अपने गांव में हल्ला मचाता था शेर आया शेर आया सब लोग वो लाठियां लेके बाहर आ जाते थे सोते सोते उठ के तो बा, बाहर जैसे आते थे कहते मैंने मजाक किया मजाक किया एक दिन उसने फिर हल्ला मचाया शेर आया तो लोग सोचा ये मजाक कर रहा होगा और उस दिन वाकई शेर आ गया फिर उस बच्चे का क्या हुआ मैंने नहीं जानता ये जो आप लोग मजाक करते हो ना बढ़वा लो जिस दिन वास्तव में परेशानी होगी उस दिन आपका रिजेक्ट हो जाएगी प्रेयर आप अपने लिए मुसीबत मत खड़ा कीजिए कि जब वास्तविकता में आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो जाए अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा कि झूठ बोल के बढ़वा लिया मैंने भाई साहब तो क्या बिना टिकट गए ट्रेन से गए तो बिना टिकट गए हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा मैंने कहा कार से गए हैं तो टोल टैक्स की रसीद लगा दीजिए ट्रेन से गए हैं तो टिकट लगा दीजिए फ्लाइट से गए हैं तो टिकट लगा दीजिए ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है इसका मतलब कहीं नहीं गए। अब आप इतना बता दीजिए आपके पास बहस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं है नो इंस्ट्रक्शन दो फाइल दो

जो भी हो आई ऑलरेडी पास ऑर्डर। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या टिकट नहीं खरीदते हैं आखिरी टाइम तो हो आई ऐसे ही वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं थी उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी मैस्टर काउंसिलडी डिसमिस दैट आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है सर सब झूठ बोल रहे हैं हम कोर्ट में नहीं सर, और जब पकड़े गए और फिर अब आप खड़े हो गए नहीं सर वो आदमी को नहीं है आप अपने लॉयर के खिलाफ बोल रहे हो सर अपनी खाल बचाने के लिए अपने साथी के खिलाफ बोल रहे हो नहीं सर व्हाट एवर इट इज इट इज रियली बैड ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसल्स टू मेक फॉल्स एक्सक्यूजेस फॉर अर्जनिंग फॉर गेटिंग द मैटर्स सब जयपुर गए हैं

And the false uh, excuse was given on the earlier occasion. Police stop. Sure, uh, has already. You should not have appeared. Now, once you have appeared, allow me to write whatever you have stated. Sure, uh, whatever you have stated, please allow me to write. You can't stop me from uh, writing the uh, submissions made by the council. Uh, later on. It is but submitted. I am making apologies. Don't apologize because your counsel has not a, has a dare he's, to. He's, 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 whatever it is, sir, please. My apologies. Uh, please, yes, when I am dictating the order, don't interfere. My apologies may be accepted. Don't interfere when I am writing the order. Later on, Shri Samir Biohar appeared in the second half of the day and submitted that. The arguing counsel is within this, it has not gone anywhere. And a false excuse was given by Shiri Mayank police officer. It is really shocking that the lawyers are making. That My apologies It is making. really shocking that a false excuse was made by the counsel to get the matter adjourned. This court. In the case of so and so has already held that asking for unnecessary adjournment amounts to professional misconduct. Police stop. Be that whatever it may be. Earlier, this court had not imposed any cost, but in view of the specific admission made by Sharif Samir Bihar that the arguing counsel has not gone anywhere and he is in this city. The, the petition is dismissed with cost of rupees five thousand to be deposited by the petitioner in the registry of this court within a period of one month from the uh, from today. In case if the cost is not deposited, the registrar general is directed to initiate the proceedings for recovery of uh, uh, cost apart from and sh shall also register a case for contempt of court. So आपौलोगी से। आपौलोगी से। आपौलोगी से। आपको कुछ नहीं मालूम है इन्होंने मेरे से कहा वो आई थिंक गए हैं जयपुर राइट मैंने कल भी बोला था कल या परसों बोला था आपका चेहरा सब बता देता है बस पढ़ने वाले चाहिए और बदकिस्मती है आप सब लोगों सब की कि हम चेहरा पढ़ लेते हैं सर मैं I, I सब के लिए की, की आदत भी डाली है आई एम सॉरी राइट आई हैव नॉट इनवाइटेड यू टू मेक एनी सबमिशन वंस यू हैव वॉलंटअरली डिसाइडेड टू टू सर्व योर कलीग एंड बी रेडी टू हियर देयर आल्सो ये आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपके चेहरे हम पढ़ लेते हैं राइट right? जब इन्होंने कहा तो हमने इनसे कहा कि आप जाइए पूछिए कि क्या आप ये करेंगे तो ये दस मिनट के बाद वापस आए बोले हम नहीं करेंगे तो इन्होंने जाके पूछा अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने घबराहट के मारे या अपने मन से कुछ झूठ बोला हो क्या बात करते हो यार आप क्यों गए थे और जबकि मैंने इनसे कहा भी था अगर वो क्योंकि वो फोन मत करना क्योंकि वो बाहर कॉरिडोर में खड़े सोनिए और अगर वो ये पेश नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके वापस कोर्ट में मत आइएगा हम समझ जाएंगे कि आप झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं हमने वहां तक भी लिबर्टी दी थी कि भैया आप तो हमें प्रजम्पन ड्रॉ करने दीजिएगा आप मत आइएगा आए फिर उन्होंने कहा कि जयपुर में अपने रिश्तेदार के घर ठहरे हैं आप कहते हैं कि सर भैया झूठ बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं सर आपके 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 जो आर्गुइंग काउंसिल जो है इनको झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं एक जूनियर ने ऑफिस वकालत सीखने के लिए किया है ज्वाइन किया है कि झूठ बोल बोलने के लिए आपने तो इनकी वकालत तो शुरू होते ही इनका चेहरा खराब करवा दिया कोर्ट के सामने परंतु ये इतने इनोसेंट है आज जितने भी जूनियर्स को से झूठ बुलवाया जा रहा है वो सारे इतने इनोसेंट हैं उनका चेहरा बोल देता है उनकी इनोसेंस को बर्बाद मत करो भाई नॉट he, इंस्ट्रक्ट he instructed. Whatever इट मे बी ये दोबारा जाके पूछते हैं कि ये कहते हैं कि वो जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुननी है आई एम नॉट आई क्या क्यों उनकी तरफ देख रहे हो आप ऐसा नहीं है कि पहले बार पहले स्टेटमेंट के ऊपर ऑर्डर हुआ है He was requested to seek instructions. He went out, came back, then again he made a statement. आप कहते हैं कि साहब हमारा जो कलीग है वो इतना सच्चा आदमी है सच्चे तो ये हैं जिनके बोलापन से इनकी झूठ चेहरे पे दिख गया था वो झूठ जो आपने बुलवाने के लिए बोलने के लिए मजबूर किया था ऐसे इंसान की तरफदारी करने के बजाय आप इनपे लांछन लगा रहे हैं कि सब ये झूठ बोले अपने मन से क्या समीर व्यवहार जी सॉरी सर आई एम मेकिंग अपोलॉजीज डोंट अपोलॉजाइज यू हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक आप क्यों शर आप क्यों माफी मांग रहे हैं आपने तो अपने साथी को क्या राजेश उपाध्याय जी है? कौन है राजेश उपाध्याय उनको तो वॉलंटरी सर्विसेज देने के लिए कहा कि यार मैं जाता हूँ कोर्ट के मैं करवा के लाता हूँ चिंता मत नॉट सी नहीं सर पांच हजार की कॉस्ट लॉट हो गई of... नहीं होगा सर मिस्टर व्यवहार आप लोग झूठ बोल बोल के एडजमेंट्स ले रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं और अपने जूनियर्स को वकालत सीखने ना दे उनको गलत बयानी करने की आदत डाल रहे हैं आप तो मुकदमा तो जो बढ़वा रहे हैं सो बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं नई जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं क्या ये सीखेंगे दाट दाट ये कच्ची दाट मिट्टी दाट है सर दाट दाट जैसी मूर्ति बनाएंगे वैसे बन जाएंगे और जब ये आपके ऑफिस में आए हैं तो इन कच्ची मिट्टी को सही मूर्ति का शेप देने की जिम्मेदारी आपकी है मेरी नहीं और आप यहाँ खड़े होके उनको दोष दे रहे हैं दोष है क्योंकि तो वो इनोसेंट है उसके बाद बाहर गए और फिर आए फिर मजाक कर रहे हो क्या नहीं एक इनोसेंट आदमी के ऊपर लंचन लगाते हुए आपको और बुरा नहीं लग रहा है <laughs> कम से कम इनमें मैं मैं रोज देख रहा हूं कि जितने भी यंग बच्चे आए हैं वो इतने इनोसेंट हैं कि उनके चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बुलवाया जा रहा है उनसे और मैंने परसों भी बोला था नहीं समझते आप लोग सर आप नई पीढ़ी को खराब शायद ना कर बैठे इसलिए मैंने ये किया है अगर किसी ने आपका ऑफिस ज्वाइन किया है ये मानते हुए कि वो आपके यहां से वकालत सीखेगा प्लीज टीच देपेयर देश हाउ टू आर्ग्यू देश इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू अडॉप्ट रॉन्ग मैथड वो किस उम्मीद से आपके ऑफिस में आए सीखने के लिए आए थे ना और आपको क्या सिखाया जा रहा है और जब वो बेचारे नहीं आपकी मन काम कर पाते तो आप उन्हीं पे लंचन लगा देते क्योंकि तो उनकी तो बच्चों की तो हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की साहब आपने झूठ क्यों बोला कोर्ट में आपने तो मेरे से बोला था उनको कानून सिखाओ तैयारी करवाओ आर्ग्यू करने के लिए मुकदमे झूठ बोल के बढ़वाने के लिए मत कराओ इतना ही कहना चाहता हूं मर्जी है आपकी चेहरा है आपका चलिए